नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई गंभीर मुद्दे पे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं खास तौर से यूरोपियन कंट्री या पश्चिम कंट्री या कोई भी एक्स वाई जेड कंट्री जिसमें आप जाना चाहते हैं, जिस कंट्री में आपका जाने का सपना है, अब जाने के लिए भाई कॉन्टेक्ट तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों से करना पड़ता है, क्योंकि जो हाई स्किल्ड हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको तो ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि उनको पता होता है हर चीज़ का। लेकिन आप जो लोग हैं जिनको पता नहीं कह का है और उनको लगता है कि आप कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, रशिया या फिर एक्स वाई जेड कहीं भी आप पहुँच जाएंगे और एजेंटों के आप संपर्क में आते हैं, सबको पता है। और आप यकीन मानिए कि जितने भी डॉक्यूमेंट मेरे पास आते हैं, मैं हर बात वीडियो में दावे के साथ कहता हूं आपको कि टोटली डॉक्यूमेंट इज फेक, समझ रहे हो बात को। लेकिन आप लोग मरने के बाद मेरे पास तक पहुंचते हैं। कुछ लोगों को तो मेरा मैसेज आता है कि 500 रुपये भी वो लोग नहीं देना चाहते। आपको लगता है कि अशोक LLB तो लूट लेगा, हमें बर्बाद कर देगा 500 रुपये लेके, इससे बढ़िया कि हम एजेंट को मेडिकल के नाम से 5000 दे देंगे, 6000 दे देंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में नाम के नाम से 2000 दे देंगे जी, और भी फिर ऑफर लेटर आते ही 10-20 हज़ार रुपये फिर दे देंगे, फिर आपका वीज़ा आ जाएगा 50-60 हज़ार रुपये दे देंगे। ऐसा सब लोगों के साथ अमूमन होता है। जी हाँ, वो इसलिए कि आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मेरे को डॉक्यूमेंट भेजते हैं। हालांकि मुझे आप फीस नहीं देते, लेकिन मुझे तो पता लगता है ना कि आपके डॉक्यूमेंट की स्थिति क्या है। लेकिन आप 500 रुपये खर्च नहीं करना चाहते, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन देखिए, मैंने एक बुक आपको हर बार काफ़ी सारे टाइम से वीडियो में बता भी रहा हूँ कि भाई ये जो बुक है ना, इस बुक को मैंने मेरे हाथों से लिखा है 10-12 साल का, जो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है, लाखों रुपए का नुकसान उठाकर एजेंटों को जेल में डलवाने के बाद मैंने ये बुक लिखी है, जो आने वाले अभी जो दूसरा मेरा चैनल है अशोक LLB उस पर 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे अगले महीने में। तो मैं मेरी जर्नी शेयर करूँगा कि भाई मैं इस फील्ड में क्यों आया, कैसे आया, वो सब बातें। इसको वो बोलते हैं ना कि बादाम खाए अकल नहीं आती, धक्के खाए अकल आती है। तो भाई ज़िंदगी में बहुत सारे धक्के खाए हैं सब कुछ होने के बाद में, तो ये बुक मेरा अनुभव मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि चलो आदमी खुद ठोकर खाता है तो साथ वाले को बता देता है भाई यहाँ खड्डा है, यहाँ पत्थर है, तू गिर मत जाना, क्योंकि वो पहले ठोकर खा चुका है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये बुक लेके आया हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं विदेश से रिलेटेड, तो इसमें 41 पॉइंट मैंने ऐसे नोट किए हैं जो आपको जाने होने वाली समस्याओं से बचाएंगे। जी हाँ, ये 320 पन्नों की बुक है भाई, कोई फॉर्मेलिटी वाली नहीं है। ये मेरा आप देख सकते हैं फोटो है, पीछे भी मेरा फोटो है। इसमें ये बुक आप लोगों के लिए मैंने लिखी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से पॉइंट मैंने नोट किए हैं, आप देख लीजिए स्क्रीन के अंदर। विषय विवरण में बात करें, रूपरेखा प्रस्तावना हो जाती है। उसके बाद जॉब के लिए विदेश क्यों जाते हैं, विदेश में इन जॉबों में कितनी अच्छी सैलरी मिलती है, जॉब फ्रॉड से कैसे बचें, ऑफर लेटर चेक कैसे करें, वीज़ा चेक कैसे करें, विदेश में फंसने पे क्या करें, वीज़े कितने प्रकार के होते हैं, सस्ती टिकट कैसे बनवाएं, वीज़ा कैसे प्राप्त करें किसी भी देश का, वीज़ा में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, पासपोर्ट कैसे बनवाएं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वीज़ा स्टाम्पिंग कैसे करवाएं, वीज़ा स्टाम्प का चार्ज क्या होता है, अच्छे एजेंट ऑफिस की कैसे पहचान करें। जी हाँ, वीज़ा फ्री देश, कौन कौन से देश आपको फ्री देते हैं वीज़ा, वीज़ा के कितने चार्जेस लगते हैं, वीज़ा अप्लाई कहाँ से करें, विदेश से कितना गोल्ड आप ला सकते हैं, एजेंट से पैसा और पासपोर्ट अगर आपके फंस गए तो कैसे निकालें, क्या विजिट टू वर्क परमिट में जाना चाहिए, लोग विजिट में भेज देते हैं ना आपको, इसके बारे में बताया गया है, विश्व में कितने इंडियंस लोग अलग अलग देशों में रहते हैं। जी हाँ, एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन क्लियर कैसे करें, कंपनी का सही गलत का पता कैसे लगाएं, विदेश जाने में कितना खर्च आता है, वर्क परमिट कितने साल का होता है, वर्क अग्रीमेंट क्या होता है, कंपनी जॉब से कब निकाल सकती है, विदेश में इंडियन एम्बेसी क्या हेल्प करेगी आपकी, जॉब के लिए किस देश में आपको जाना चाहिए, विदेश जाने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, इंडियन रुपए का भाव करेंसी में कितना बनता है, विदेशी करेंसी की भारतीय रुपए के मुकाबले वैल्यू क्या है, गोल्ड प्राइस विदेशों में कितना होता है, PCC क्या होती है, पासपोर्ट खो जाने पे क्या करें, विदेश में खो या इंडिया में एक ही बात है भाई, गम का मेडिकल एड्रेस, इंडिया में कहाँ कहाँ गवर्नमेंट ऑथोराइज मेडिकल एड्रेस हैं, इंडिया में विदेश एम्बेसियों का पता कहाँ है, यूरोपियन देशों के मेडिकल कैसे होते हैं, उनका कितना चार्ज होता है और क्या उनका एड्रेस है, कतर QEC मेडिकल और चार्जेज, भारत में मैन पावर ऑफिस। जी हाँ, ये 48 मैंने पॉइंट इसमें भाई नोट किए हैं, जो जितने मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी शेयर कर दी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भाई ये बुक आपको लाइफ टाइम गारंटी के साथ बचाएगी। अगर आपने इसको पढ़ लिया और इसके हिसाब से आपने फॉलो कर लिया तो
जी हाँ, आपके काफ़ी लोगों के लाखों रुपए लगते हैं भाई, कम से कम मान लो मेडिकल से तो शुरुआत हो जाती है, 4-5 हज़ार से आपकी शुरुआत होकर वो 50-60-70 हज़ार तक पहुंच जाती है, लाखों में भी पहुंच जाती है। इस बुक को पढ़ने का मतलब ये आपको गारंटी ले लेगी आपकी कि आपको ठगी नहीं होगी, क्योंकि ये जो लिस्ट है ना ये मैन पावर ऑफिसों की है, गवर्नमेंट अथोराइज मैन पावर, गवर्नमेंट अथोराइज मेडिकल सेंटर, यूरोपियन कंट्री के नाम से सबसे ज़्यादा आपको ठगा जाता है। उसमें ये बताया गया है कि कनाडा के मेडिकल कहाँ कहाँ होते हैं इंडिया में, यूरोपीय देशों के मेडिकल कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, मलेशिया के या फिर और भी गल्फ देशों के मेडिकल कहाँ होते हैं, सब कुछ इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के नीचे पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप चाहो तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।